इस वीडियो में हम बात करेंगे एरेज में सर्च करना। मतलब आपके पास कोई एरे है, जैसे कि सपोज करिए आपको एक एरे दिया गया है ये, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पर 5 वैल्यू स्टोर्ड है, यहाँ पर 7, यहाँ पर 13, 25 और 19 और 6। तो आपको फिर क्या करना होगा, आपको कोई एन नंबर दे दिया गया होगा और सपोज करिए एन की वैल्यू 25 है और एक बार एन टू की वैल्यू आपकी 20 है। तो आपको क्या करना होगा, चेक करना होगा कि क्या एन इस एरे के अंदर प्रेजेंट है। तो अगर वो प्रेजेंट होता है तो फिर आपको बताना है कि वो कहाँ पर प्रेजेंट है। अगर नहीं प्रेजेंट होता तो फिर दिखा देना है कि ये एरे के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो मतलब सर्चिंग करनी है किसी भी एरे के अंदर की कोई पार्टिकुलर एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं है। अब जरूरी नहीं है कि ये इंट पर ही हो, स्ट्रिंग पर भी हो सकता है, कैर का भी हो सकता है और आपका डबल फ्लोट किसी भी डेटा टाइप का हो सकता है। तो एरेज के अंदर वैसे तो बहुत टाइप की सर्चिंग होती है, लेकिन जो आपके सिलेबस में है वो है लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। तो लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च के बारे में फिलहाल हम बात करेंगे, लेकिन एक यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो आपको नोट डाउन करना होगा, जो लीनियर सर्च है वो सॉर्टेड और अनसॉर्टेड एरे दोनों पर काम करेगी, ठीक है। सॉर्टेड और अनसॉर्टेड का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर सॉर्टेड का मतलब होता है कि आपका एरे या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड हो, और अनसॉर्टेड ऑर्डर में तो मतलब किसी भी रेंडम ऑर्डर में आपकी वैल्यूज स्टोर्ड हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक रेंडम ऑर्डर में वैल्यू स्टोर्ड है, तो ये अनसॉर्टेड एरे है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर सॉर्टेड एरे की बात करूं तो ऐसे हो सकता है कुछ 5, 7, 11, 13, 25, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप एक असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यू अरेंज्ड है। और जो बाइनरी सर्च होता है आपका, सिर्फ और सिर्फ आपका जो है सॉर्टेड एरे पर काम करेगा, ठीक है। और जो आपका बाइनरी सर्च होता है वो लीनियर सर्च से फास्ट होता है। तो चलिए अभी हम लीनियर सर्च के बारे में बात करेंगे। तो लीनियर सर्च में क्या होगा, आपको एक एरे दे दिया जाएगा, जैसे कि सपोज करिए आपके पास ये एरे है एक, ठीक है। अनसॉर्टेड एरे लेकर चलते हैं यहाँ पर 5, 7, 11, 9, 25 और 10, ठीक है। और आपको कह दिया कि आपको चेक करना है कि क्या 9 इसमें है या नहीं है। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा कि जो आपका ये एलिमेंट होगा जो आपको सर्च करना है, इसको सबसे पहले जो 0th इंडेक्स पर होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, हमने यहाँ पर इंडेक्स नंबर डाल लिया, इसका 0 से शुरुआत होती है। तो जो नंबर होगा वो चेक, सपोज करिए इस एरे का नाम ए है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, पहले तो ए की 0th पोजिशन पर जो भी आपका नंबर है, सपोज करिए ये इंट का एरे आपको दिख ही रहा है, ठीक है। तो ए की जो 0th इंडेक्स पर पोजिशन, 0 इंडेक्स पर जो वैल्यू है उसकी क्वालिटी को चेक करेगा, सपोज करिए ये एन वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड है इसके साथ, ठीक है। अगर वो मिलती है तो वहीं पर ही रुक जाएगा, अगर लेकिन वो उसके साथ मैच नहीं होती फिर क्या होगा, ए की 1st इंडेक्स पर चेक करेगा कि क्या वो एन के बराबर है। अगर मिल जाती है, मतलब इक्वेलिटी मिल जाती है, तो यहीं पर ही रुक जाएगा, नहीं तो फिर आगे मूव ऑन करेगा। लेकिन ऐसे चलते चलते अगर एरे की लेंथ -1 वैल्यू तक मैच नहीं होती तो फिर मतलब वो नंबर प्रेजेंट नहीं है ना, क्योंकि लेंथ इसकी 6 होती है और एरे का लास्ट इंडेक्स लेंथ -1 होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर एरे की लेंथ -1 तक नंबर फिर भी मैच नहीं होता तो मतलब वो प्रेजेंट नहीं है। अब हमने देखा यहाँ पर 0 से लेकर आपको लेंथ -1 तक चेक कराना है, तो हम फोर लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही नंबर से जो है मैच होता है तो रुक जाना है, मतलब हम ब्रेक का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ब्रेक आपकी मदद करता है फोर लूप को टर्मिनेट करने में। तो चलिए एक बार इसको कोड कर लेते हैं, एल्गोरिदम को कोड कर लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर स्कैनर क्लास को इम्पोर्ट कराया और स्कैनर क्लास का हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। स्कैनर क्लास को मैंने यहाँ पर क्यों इम्पोर्ट कराया, क्योंकि मुझको यूजर से इनपुट लेना है कि उसको किस नंबर को चेक करना है कि वो प्रेजेंट है या नहीं। तो सब हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक एरे बना लेते हैं इंटीजर का, और मैं इस एरे का नाम ए रखता हूँ इक्वल टू, और एरे इनिशियलाइजर की मदद से हम इसको इनिशियलाइज करते हैं। तो इसके अंदर कुछ वैल्यूज डाल लेते हैं रैंडम, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये वैल्यूज डाल लिया इसके अंदर। फिर मुझको क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है कि वो किस नंबर को चेक कराना चाहता है। तो एंटर द सर्च नंबर, ठीक है, मैं यहाँ पर ये इनपुट दे देता हूँ, ठीक है। तो एक वेरिएबल बनाते हैं एन नाम से, और इसके अंदर हम यूजर से इनपुट लेने वाले हैं जिस नंबर को भी वो चेक कराने वाला है। तब मुझको बताइए हमको क्या करना है, हमको 0 से लेकर लेंथ -1 तक जाना है, और अगर किसी भी इंडेक्स पर वैल्यू मिलती है तो हमको रुक जाना है,
और इस इंडेक्स को प्रिंट करा देना है। तो एक वेरिएबल लेते हैं हम इंडेक्स नाम से, जो स्टोर करेगा कि किस इंडेक्स पर वो वैल्यू मिलने वाली है, और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम -1 कर देते हैं, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू -1 रहती है तो मतलब वो प्रेजेंट नहीं है, लेकिन अगर उसकी वैल्यू चेंज होती है तो फिर वो मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले फॉर लूप लगाते हैं, ठीक है। हमको कहाँ से कहाँ तक जाना है, 0 से लेकर जाना है इंटा इक्वल टू 0, और फिर कहाँ तक जाना है, लेस देन एरे डॉट लेंथ, ए डॉट लेंथ। अब मैंने यहाँ पर लेस देन लगाया, इसीलिए खाली एरे डॉट लेंथ लिखा हूँ, मतलब जो एरे की लेंथ है वहाँ तक जाऊँगा। लेकिन अगर मैं इक्वल टू लगा देता, लेस देन इक्वल टू लगा देता, तो -1 करना पड़ता, क्योंकि लेस देन है तो एरे डॉट लेंथ वाला पार्ट आपका नहीं चलेगा, एरे डॉट लेंथ जो है उससे एक कम चलेगा, ठीक है। और आई प्लस प्लस, क्योंकि एक एक वैल्यू हमको बढ़ते जाना है। फिर हमको क्या करना है, यहाँ पर हर बार की तरह, मतलब हर बार जैसे ही लूप चलेगा, हमको क्या करना है कि एरे की आई इंडेक्स पर, मतलब 0 इंडेक्स पर, फिर 1 इंडेक्स पर, फिर 2 इंडेक्स पर, अगर वो एन के बराबर होता है, किसके, एन के, एन आपका क्या है, जो नंबर सर्च किया गया है, तो आप क्या करिए, सबसे पहले तो इंडेक्स की वैल्यू आई कर दीजिए, क्योंकि आई इंडेक्स पर ही तो है वो। और फिर आप क्या कर दीजिए, इस लूप को ब्रेक कर दीजिए, है ना, इस लूप को आपको ब्रेक करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आपको क्या करना चाहिए, फिर ऐसे ही लूप कंटिन्यू होता रहना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, और एक और हम एक काम करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर इंडेक्स की वैल्यू, अगर आपकी इंडेक्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू -1, मतलब अगर इंडेक्स की वैल्यू -1 नहीं होती है, तो मतलब आपका नंबर मिल चुका है, क्योंकि इंडेक्स की वैल्यू कब चेंज होगी, जब आपका नंबर की वैल्यू एरे की आई इंडेक्स पर बराबर होने वाली है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो इंडेक्स की वैल्यू आपकी -1 रहने वाली है हमेशा। फिर हम क्या करते हैं यहाँ पर, अगर उसकी -1 नहीं होती तो हम क्या करा देते हैं, प्रिंट करा देते हैं कि किस इंडेक्स पर आपका एरे का जो वैल्यू है मिली है। तो कौन सा नंबर उसने सर्च किया था, एन किया था, ठीक है। एन इज फाउंड एट प्लस, किस इंडेक्स पर मिला है, इंडेक्स, ठीक है। और हम यहां पर लिख देते हैं इतने इंडेक्स पर वो वैल्यू हमको मिली है। लेकिन अगर उसकी वैल्यू -1 रहती है, एल्स, मतलब -1 नहीं होती तो फिर वो करना है। लेकिन अगर -1 होती है तो फिर आपको क्या करना है, वो नंबर मतलब आपको नहीं मिला, तो हम यहां पर प्रिंट करा देंगे नॉट फाउंड, ठीक है। और हम क्या करते हैं, अपने इसको कंपाइल करते हैं और फिर अपने इसको एग्जीक्यूट करते हैं, जो आपका कोड आपने लिखा है, सोर्स कोड आपने जो लिखा है। तो सपोज करिए हम चेक करते हैं कि क्या इसमें आपका 45 है, तो 45 उसमें नहीं है, देख लेते एक बार क्या उसमें 45 प्रेजेंट है। तो देखिए यहाँ पर इसमें 45 प्रेजेंट नहीं है, चलो 25 सर्च करते हैं, जो कि सेकेंड इंडेक्स पर है। तो देखते हैं 25 से क्लियर हो जाएगा कि आपका आंसर सही आता है कि नहीं आता। तो 25 मैंने यहाँ पर डाला, तो 25 इज फाउंड एट टू इंडेक्स, तो बिल्कुल सही आपका ये आउटपुट आपको शो कर रहा है। तो इस टाइप से आप लीनियर सर्च कर सकते थे। हाँ बाइनरी सर्च के बारे में बात करेंगे, और बाइनरी सर्च आपका लीनियर सर्च से फास्ट होता है, ये कि क्योंकि ये कोशिश करता है कि कम से कम टाइम में आपके एलिमेंट को फाइंड कर दिया जाए, अगर वो प्रेजेंट है तो, ठीक है। और ये सॉर्टेड एरे पर काम करता है, आपको पता ही होगा। तो सपोज करते हैं हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक सॉर्टेड एरे का, ठीक है, 3, 5, 7, 11, 20, 25 और 31, ठीक है। तो एक सॉर्टेड एरे है, और अब यहाँ पर हमको कोई भी, सपोज करिए हमको चेक करना है कि क्या इसमें 5 प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है, इसको हमको चेक करना है। तो सॉर्टेड एरे में क्या होता है, आपका जो एक पूरा एरे होता है ना, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर कैसे डिवाइड किया जाएगा, इसको दो भाग में तोड़ लिया जाएगा, और एक बीच का एलिमेंट आने वाला है आपका। तो यहाँ पर देखिए ये 3 और ये 3 एक साइड चले जाएंगे, और ये आपका बीच का एलिमेंट बच जाएगा। फिर क्या होगा, वो चेक करेगा कि क्या जो आपका नंबर है वो इस मिडल वाले एलिमेंट के बराबर है। अगर वो इसके बराबर होता है तो फिर तो आपका लूप यहीं पर ही रुक जाएगा कि हाँ भाई इसके बराबर है। लेकिन अगर वो इस नंबर से जो है, क्योंकि देखिए अब ये एक सॉर्टेड एरे है, तो मतलब अगर इस साइड होगा तो
तो मतलब वैल्यू छोटी होगी, इस साइड होगी तो इससे बड़ी होगी। तो मतलब अगर ये नंबर इस बीच वाली वैल्यू से छोटा है तो फिर क्या करेगा, वो इस एरे को ले लेगा और इस एरे को दो भाग में तोड़ेगा। लेकिन अगर इस वैल्यू से जो ये वैल्यू है बड़ी होती है, तो मतलब वो इस साइड मिलने वाली है कहीं, तो फिर वो इस वाले एरे को ले लेगा। ठीक है, वो क्या करेगा कि जो आपका इस एरे के अंदर जो वैल्यूज है जिनमें तो पाने की कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, उनको वो निकाल देगा। जैसे कि 11 है तो 5 को वो 11 के साथ मैच करेगा। तो आप यहाँ पर देखिए 5 जो है लेस देन 11 है, तो मतलब 11 के इस साइड ही तो मिलने वाली है वो वैल्यू, उस साइड तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि उस साइड आपको 5 मिल जाए। तो वो क्या करेगा, फिर 11 से इस साइड वाला जो आपका एरे का पार्ट होगा, इस एरे को दो भाग में तोड़ेगा फिर से। ठीक है, एक 3 हो जाएगा, एक 7 हो जाएगा, और मिडल वाले एलिमेंट के साथ कंपेयर करेगा। तो फिर 5 = 5 हो जाएगा, तो रुक जाएगा। और सपोज करिए हमको 3 फाइंड करना होता, फिर क्या करता हो, 3 < 5 चेक करता और फिर इस साइड आ जाता है ना। 3 < 5 मतलब वो इस साइड मिलने वाला है, और इस साइड इसको कहाँ पर तोड़ेगा, वो एक ही एलिमेंट बचा है तो मिडल एलिमेंट वही हो जाएगा और 3 = 3 हो जाएगा। तो अभी हम देखते हैं इसको कर कैसे सकते हैं। तो आपको इसके लिए 3 वेरिएबल चाहिए। एक तो चाहिएगा इंट एल नाम से ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, एक एम नाम से जो मिडल एलिमेंट को डिपिक्ट करेगा, और एक यू नाम से। ठीक है, लोअर मिडल अपर। तो लोअर जो होगा आपका 0 होगा सबसे पहले, तो क्योंकि यहाँ से अब लोअर और अपर हमको बताएंगे कि हमको एरे में कहाँ से कहाँ तक सर्चिंग करनी है। तो सबसे पहले हमको पूरे एरे में सर्चिंग करनी है, मतलब पूरे एरे को तोड़ना है। तो लोअर तो आपका 0 होने वाला है, और यू आपका क्या होने वाला है, जो आपकी लेंथ होगी एरे की -1। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 5 6, तो यू की वैल्यू फिलहाल हमारी 6 होगी, लोअर की 0 होगी, और मिडल की वैल्यू हमको जैसे ही आपका हर बार एक बार लूप चलेगा तो मिडल की वैल्यू हमको हर बार चेंज करनी है, किसके बराबर होनी चाहिए, वो लोअर प्लस अपर डिवाइड बाई 2। क्योंकि लोअर और अपर की वैल्यू हर बार चेंज होती रहेगी, इसलिए मिडल की वैल्यू को हमको हर बार लूप के स्टार्टिंग में डालना पड़ेगा। अभी हम देखेंगे कहाँ पर डालने वाले हैं जब कोड करेंगे। तो हमको 3 वेरिएबल चाहिए। तो होगा क्या, सबसे पहले लोअर की वैल्यू 0, मिडल की ये हो जाएगी, और अपर की आपकी ये हो जाएगी। फिर क्या करेगा, सपोज करिए हमको 5 फाइंड करना है, तो फिर वो क्या करेगा कि वो चेक करेगा कि जो आपका एरे है, सपोज करिए ए नाम है, एरे ऑफ मिड टर्म जो है वो इक्वल इक्वल आपके एन के है जिसको आप फाइंड करना है। तो फिर वो क्या करेगा, यहाँ पर आपका लूप को रोक देगा, और साथ ही साथ क्या करेगा, वो वैल्यू रिटर्न करा देगा एम, क्योंकि mth वैल्यू पर मतलब mth इंडेक्स पर ही तो आपकी वैल्यू लोकेटेड है, क्योंकि हमको ये भी बताना है कि वैल्यू कहाँ पर लोकेटेड है, किस इंडेक्स पर थी। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये 0 था, ये 6 था, 0 + 6 / 2 3, 0 1 2 3, तो थर्ड इंडेक्स पर ही थी, मतलब m की वैल्यू है ना, तो m रिटर्न करा देगा और अपने लूप को ब्रेक कर देगा। लेकिन क्या होगा अगर आपका a की जो m इंडेक्स पर है वो बड़ा होता है n से, मतलब ये वैल्यू आपका जो 5 है, सपोज करिए 5 है, तो 11 जो होता है आपका 5 से बड़ा होता है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, फिर इस साइड ढूंढना है हमको, है ना, 11 से इस साइड आपको सर्चिंग करनी है। तो मतलब आपकी लोअर तो 0 ही रहने वाली है, लेकिन अपर क्या हो जाएगी, 7 पर, है ना, 7 आपकी अपर हो जाएगी, और 7 जो आपकी मिड है उससे एक कम इंडेक्स पर है, तो अपर हम कर देंगे मिड -1, है ना, क्योंकि जो है आपकी मिड है उससे एक टर्म कम, मतलब एक इंडेक्स कम तक आपको सर्च करनी है, बाकी सब भाड़ में गया। ठीक है, लेकिन अगर इसका रिवर्स होता है, मतलब क्या होता है, ए का एम्थ इंडेक्स पर वैल्यू लेस देन एन होती है, तो फिर आपको क्या करना है, आपकी जो लोअर इंडेक्स होगी, लोअर क्या हो जाएगी आपकी, 20 वाली हो जाएगी, मतलब एम प्लस वन, है ना, एक इंडेक्स उससे बाद में, और अपर आपकी वही रहने वाली है, तो अपर को आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो इस टाइप से हम कुछ करने वाले हैं, अभी हम कोड कर लेते हैं। चलिए, लूप कब तक चलाना है, इसमें हमको वाइल या डू वाइल लूप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमको ये लूप तब तक चलाना है तब तक या तो एल की वैल्यू, मतलब जो लोअर इंडेक्स है, वो कम रहे आर से या बराबर हो। क्योंकि अगर यहां पर देखिए, जैसे कि 0 था, एक बार क्या हुआ था यहां पर 3 था, तो और मतलब एक एलिमेंट बचा था हमारे पास, एक एलिमेंट बचा था, तो मतलब एल इक्वल इक्वल आर हो चुका था। लेकिन इससे आगे तो कोई कंडीशन पॉसिबल है नहीं, तो मतलब अगर आर की वैल्यू एल से कम हो गई तो फिर आपके लूप को रोकना पड़ेगा। इसीलिए तब तक हमको ये लूप चलाना है तब तक एल और आर की वैल्यू जो है, एल की वैल्यू आर की वैल्यू से छोटी रही है, उसके बराबर हो जाए। लेकिन बराबर हुए पर एक बार चलेगा और तब भी इक्वल नहीं होती वैल्यू, तो फिर आपको लूप को रोक देना है। ठीक है,
क्योंकि एल क्या है आपकी लोअर इंडेक्स और आर क्या है आपकी जो हाईएस्ट इंडेक्स होने वाली है, और मिडल आपको फिर निकालनी होती है इन दोनों में से। तो मिडल आपकी वही इंडेक्स हो जाती है, क्योंकि सपोज करिए जीरो इंडेक्स पर था, 0 + 0 / 2 क्या हो गई, 0, तो मिडल आपकी 0 ही हो जाती, और इससे आगे कोई पॉसिबिलिटी है नहीं कि आपको कहीं और पर भी चेक करनी पड़े वैल्यू। इसलिए आपका लूप तब तक चलेगा एल लेस देन और इक्वल टू आर हो, क्योंकि एक बात बताइए आप, एल लेफ्ट वाला होने वाला है, आर राइट वाला, तो अब आर जो है लेफ्ट से कम कैसे हो सकता है, जैसे कि एल तो आपका 4 हो गया और आर आपका 3 कैसे हो सकता है, फिर तो गलत हो जाएगा ये। इसीलिए एल लेस देन और इक्वल टू आर होने वाला है। तो चलिए हम बाइनरी सर्च के प्रोग्राम को अब कोड कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रखा है, क्योंकि यूज़र से हम इनपुट लेने वाले हैं जिस नंबर को वो सर्च करना चाहता है। तो अब सबसे पहले बाइनरी सर्च का एक रिक्वायरमेंट है कि आपका एरे एक सॉर्टेड एरे होना चाहिए। तो हम यहाँ पर इसी टाइप से एक एरे बना लेते हैं, ए नाम रखते हैं, और इसको एरे इनिशियलाइजर की मदद से जो है इनिशियलाइज करते हैं। तो 10, 12, 20, 25, 34, 49, ठीक है। मैंने इसके अंदर कुछ वैल्यूज स्टोर करा ली है, एक और करा लेते हैं, चलिए comma 62, बहुत है ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसके अंदर ये वैल्यूज स्टोर करा ली है, और अब हम सर्च करते हैं। तो सर्च किसको करना है, यूज़र से हम वो इनपुट लेंगे कि किस नंबर को वो सर्च करना चाहता है। तो एंटर द सर्च्ड नंबर, तो यूज़र यहाँ पर हमको इनपुट दे देगा एन नंबर के अंदर, एन वेरिएबल के अंदर हम इसको इनपुट करा लेंगे यूज़र की मदद से। फिर हम क्या करेंगे, अब हमको तीन वेरिएबल डिफाइन करने हैं, एक तो लोअर, इसकी वैल्यू 0 होने वाली है, और जो आपका अपर होने वाला है इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, आपका जो एरे होगा उसकी जो लेंथ होगी उसमें से एक कम, तो ए डॉट लेंथ -1 ये इसकी वैल्यू होने वाली है, और एक होने वाला है मिडल जो हम आगे डिफाइन करेंगे अभी। तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पर वाइल का, वाइल लूप का इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पर, और कब तक चलना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया वाइल एल लेस देन और इक्वल टू आर, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पर अपना जो मिडल वाला एलिमेंट होगा, मतलब जो मिडल वाली इंडेक्स को स्टोर करा के रखेगा, एम नाम से उसको डिफाइन करेंगे, और उसकी वैल्यू होने वाली है एल प्लस यू, मतलब जो लोअर इंडेक्स है आपका और जो अपर इंडेक्स है उन दोनों को प्लस करो और 2 से डिवाइड करो, ठीक है। फिर हमको क्या करना है, यहाँ पर हमने उसको अपर रखा है तो इसको यहाँ पर यू कर लेते हैं, मैंने गलती से यहाँ पर आर लिख दिया है, ठीक है। फिर हमको क्या करना है कि अगर ए के एम पर जो वैल्यू है वो आपके एन के बराबर है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर प्रिंट करा देंगे, मतलब वो वैल्यू हमको मिल गई। एक अलग से वेरिएबल ले लेते हैं इंडेक्स नाम से, और उसकी वैल्यू हम यहाँ पर करा देते हैं -1 फिर से, जैसे कि हमने लीनियर सर्च के अंदर किया था, ठीक है। तो हम क्या करा देंगे, इंडेक्स की वैल्यू हम यहाँ पर एम करा देंगे, इंडेक्स इक्वल टू एम करा देंगे, और साथ ही साथ अपने लूप को ब्रेक भी करा देंगे। लेकिन हमारी दूसरी कंडीशन है कि अगर आपका जो ए के एम पर वैल्यू है वो कम होती है किससे, आपके एन से, ए के एम पर वैल्यू मतलब एन आपकी बड़ी होने वाली है मिडल वाली टर्म से, बड़ी होने वाली है एन, एन आपका बड़े होने वाला है, तो मतलब मिडल से कहीं आगे मिलेगा, मिडल से कहीं आगे मिलेगा मतलब लोअर इंडेक्स जो होगी आपकी वो क्या हो जाएगी, एम प्लस वन होने वाली है। तो आपकी जो लोअर इंडेक्स होगी वो कितनी हो जाएगी, एम प्लस वन हो जाएगी, ठीक है। और लेकिन अगर आपका ए का जो एम पर वैल्यू है वो ज़्यादा होती है एन से, मतलब एन आपका छोटे होने वाला है और एन आपका छोटा होने वाला है, तो अपर इंडेक्स क्या हो जाएगी, आपकी मिडल में से एक कम, है ना जी, हाँ यही होगी। तो हमने यहाँ पर कुछ ऐसी कंडीशन दे दी है, और फिर हमको क्या करना है, यहाँ पर नीचे आकर चेक करना है कि अगर इंडेक्स की वैल्यू -1 नहीं होती, अगर इंडेक्स की वैल्यू -1 नहीं होती तो फिर हम यहाँ पर प्रिंट करा देंगे कि भैया वो वैल्यू हमको मिल गई है, और किस इंडेक्स पर मिली है वो भी प्रिंट करा देंगे। तो एन प्लस इज फाउंड एट प्लस इंडेक्स, ठीक है, इस इंडेक्स पर वो मिल चुकी है हमको। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो हम यहाँ पर प्रिंट करा देंगे कि वो वैल्यू हमको नहीं मिली, नॉट फाउंड, ठीक है। और एक बार इसको कोड को अपने को कंपाइल कर लेते हैं, फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या हमारा आउटपुट आपका सही आ रहा है कि नहीं।
तो क्लास हमारी कंपाइल हो चुकी है और हम यहाँ पर इसके अंदर अब सर्च करेंगे कुछ भी रैंडम वैल्यू। तो हम देखते हैं यहाँ पर इसके अंदर 25 ही सर्च करते हैं, तो 25 देखते हैं कि क्या थर्ड इंडेक्स पर है, अभी पता लग जाएगा। तो ऊपर जाते हैं 0 1 2 3, तो थर्ड इंडेक्स पर 25 है, बिल्कुल सही दिखा रहा है। चलिए 10 सर्च करते हैं कि 10 ये कहाँ पर दिखाता है आपको। तो 10 सर्च किया तो 10 बिल्कुल 0 इंडेक्स पर है, तो मतलब आपका प्रोग्राम बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। तो अब हमने यहाँ पर ये इंट पर काम किया, जो आपका ये था, चलो 50, 50 नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो जो आपने यहाँ पर अभी काम किया ये इंट की वैल्यूज पर आपने काम किया, लेकिन आप इसको स्ट्रिंग की वैल्यूज पर भी काम कर सकते हैं इसकी मदद से। तो स्ट्रिंग की वैल्यूज पर काम करने के लिए आपको जो है स्ट्रिंग चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, और स्ट्रिंग चैप्टर के अंदर एक फंक्शन होता है कंपेयर टू, उसकी मदद से आपको कंपेयर करना होगा स्ट्रिंग मेथड को। देखिए आपको क्या करना होता है कंपेयर टू मेथड का, मैं यहाँ पर थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ जिससे कि आपको आसानी हो फिर समझने में, या फिर अपना प्रोग्राम को कंपाइल कोड करने में, जिससे कि आपको बिना स्ट्रिंग के चैप्टर पढ़े ही आप स्ट्रिंग का भी एक बाइनरी सर्च लीनियर सर्च पर प्रोग्राम बना सको। क्या होता है स्ट्रिंग की एक वैल्यू लेगा वो str1, ठीक है। एक स्ट्रिंग का आपको यहाँ पर वेरिएबल का नाम लिखना होगा, स्ट्रिंग लिखना होगा, फिर डॉट लगाना होगा, फिर आपको कंपेयर टू लिखना होगा, मतलब किसके साथ कंपेयर करना है। तो एक फंक्शन होता है, तो एक यहाँ पर एज अ पैरामीटर लेने वाला है कुछ, और कंपेयर टू के अंदर आपको कुछ वैल्यू पास करानी होगी, और कंपेयर टू के अंदर जो स्ट्रिंग पास कराओगे ना वो स्ट्रिंग वन के साथ कंपेयर होगा। तो अगर आपका जो स्ट्रिंग वन होने वाला है, अगर स्ट्रिंग वन स्ट्रिंग टू से छोटा होता है, छोटा होने का मतलब वो डिक्शनरी में स्ट्रिंग वन स्ट्रिंग टू से डिक्शनरी में पहले आता है, क्या स्ट्रिंग वन अगर डिक्शनरी में स्ट्रिंग टू से पहले आता है तो वो क्या देगा, लेस देन 0 वैल्यू देगा, कोई भी लेस देन 0 वैल्यू देगा, ठीक है। लेकिन अगर स्ट्रिंग वन स्ट्रिंग टू के बराबर होता है तो वो 0 वैल्यू देगा, लेकिन अगर स्ट्रिंग वन बाद में आता है स्ट्रिंग टू से तो वो ग्रेटर देन 0 वैल्यू देगा। तो इसकी मदद से आप कोड करना